हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में। और अभी सुबह हुआ है, संडे है तो थोड़ा लेट से उठे हैं। बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि बहुत गर्मी है और तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए इधर देख सकते हैं अभी चाय बनाए हैं और इधर दूध गर्म कर रहे हैं। 12 बजे तक खाना भी बनाना है क्योंकि मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाएंगे, इसीलिए देख सकते हैं बर्तन भी बहुत सारा रखा हुआ है। वीडियो में बने रहिए, अभी चाय पीने जा रहे हैं। सुबह से कितना धूप हो गया देख सकते हैं। और इधर मैं फूल लेने गई थी, गिर भी गया। बर्तन धोने जा रहे हैं। आप लोग के इधर कैसा मौसम है प्लीज कमेंट में बताइए। यहाँ पर तो बहुत गर्मी है, इतना गर्मी है कि रात में सही से सोते नहीं। बर्तन सब धुला गया है और इधर किचन को सब कर लेते हैं। बच्चे लोग के लिए रास्ता बनाना है। 2 गो आलू है, थोड़ा सा सूजी है, इसको आलू को छील लेंगे पहले, उसके बाद आलू और सूजी दोनों को ग्राइंड करके बनाएंगे। आलू को छील के धो लिए हैं और इसमें डाल देंगे। मेरी बेटी लोग को यही सब पसंद है खाने में। मसाला थोड़ा थोड़ा ऐड कर देंगे, हल्दी और मिर्ची है। बच्चे लोग थोड़ा कम तीखा खाते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, स्वाद अच्छा लगेगा। इसको अच्छे से मिक्स कर दिए हैं और इधर तवा भी गरम हो रहा है, इसमें तेल डाल देंगे। तवा गरम हो गया है और अब इसको डाल देंगे। और इसको ऊपर से तेल थोड़ा थोड़ा लगा देंगे। सोनी जग गई है और इसको सूजी का ये बहुत अच्छा लगता है। लेट हो गया इसलिए किसी चीज़ का चटनी नहीं बनाया है, सिंपल ही बनाया है। ये चटनी के साथ अच्छा नहीं है, इसको ऐसे भी बहुत पसंद है। ये रूम में आके ये थोड़ा सा राहत मिलता है, पंखा चलता है तो। बच्चे लोग का नाश्ता बन गया है और इधर दाल बैठा दिए हैं, देख सकते हैं हल्दी और नमक डाल दिए हैं और इसी में आलू डाल देंगे। आलू को धो लिए कि और लहसुन डालना है। मसाला तैयार हो गया है और इसको ग्राइंड कर लेंगे। इधर
दाल बन रहा है और ये सोयाबीन भी फूलने फूल रहा है, तब तक जा रहा है झाड़ू लगाने के लिए। जितना लगता है उतना लगा लेंगे। क्या करेगी अभी दिन भर एक आध करेगी और कचरा फैलाएगी, कितना भी साफ करेंगे फिर भी साफ नहीं रहेगा घर। आध्या को देख सकते हैं, इसको साड़ी पहनने का बहुत मन है ओढ़ने के साड़ी बड़ा बड़ा भी पहनती है। बैठा दिए है और इसको निकाल लेंगे पानी में से। कढ़ाई गर्म हो गया है और अब इसमें तेल डाल देंगे। सोयाबीन डाल के फ्राई कर लेंगे सोयाबीन को। सोयाबीन फ्राई हो गया है और इधर तेल गरम है, फोरन डाल देंगे। मसाला पक रहा है, आलू निकाल देंगे धोने से। सब्जी भुजा गया है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। सब्जी बन के रेडी हो गया है और इसको उतार देंगे। और चाय बनाएंगे, सुबह में पिए थे एक बार, फिर डबल में बना रहे हैं। चाय बन गया है, चावल बैठा लेते हैं। इधर बिस्तर का देख सकते हैं कैसा हाल है, अब जा रहे हैं बिस्तर ठीक करने। Thank you.
अच्छा लगाने जा रहे हैं। घर में पोछा लग गया है और सब सफाई हो गया है और इधर पूजा वाला घर में भी लग गया है और इधर जा रहे हैं नहाने हॉल में और ये रूम में। झाड़ू पोछा हो गया है सब नहा। राध्या होमवर्क बना रही है। क्या होमवर्क बना रही है राध्या? ये क्या होमवर्क चोरी करके बनाती है? नहीं। हाँ देखिए पीछे से देख देख के लिख रही है। ये वाला पर लिखे इसको दिए थे। देख देख के लिख रही है। ठीक है तुम्हारे टीचर को बोलेंगे कि नकल करती है। ट्यूशन वाले टीचर को बोलेंगे। और इधर सोनी नहा के आ गई है। देख सकते हैं क्या क्या ये दिन भर का यही काम है। अभी दोपहर के 2 बजे है और मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ। पहले जो रूम में रहती थी उसके बगल में वो भी रहती थी तो बहुत दिन से बुला रही है कि आइए घूमने को। इतना धूप में जाने का मन नहीं कर रहा है। कल ही बोली थी तो कल शाम को बारिश होने लगा था इसीलिए मिल गए थी। अभी जा रहे हैं देख सकते हैं रास्ते में है। बहुत दिन बाद इधर आए हैं। धूप है देख सकते हैं।
था, लेबे नहीं किए। तब तक के लिए बाय।